नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे हरियाणा विशेष में। सबसे पहले बात करेंगे किसान आंदोलन की, जो इस वक्त सवालों के घेरे में है। बॉर्डर पर स्थानीय लोग और किसान भी आंदोलन का विरोध कर रहे हैं और इन सबके बीच आंदोलनकारियों और स्थानीय लोगों के बीच भिड़ंत भी हो रही है। सिंघू बॉर्डर पर बवाल हुआ है, स्थानीय लोगों आंदोलनकारियों के बीच पथराव हुआ है, तो वहीं टीकरी बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन को खत्म करने की चेतावनी दी जा रही है। कोई भी कल्पित जिसकी पहचान होती है और जिसकी समूलियत पाई जाती है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर बड़ा बवाल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों और किसान प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत हो गई। दोनों ओर के लोगों ने एक दूसरे पर पथराव किया। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों और आंदोलनकारियों के बीच पथराव के चलते कई लोग घायल भी हुए, इनमें एक पुलिसकर्मी भी शामिल है। वहीं हालात को काबू करने के लिए वहां तैनात पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्के बल का प्रयोग भी किया। इस पथराव में पुलिस समेत कई लोग घायल हुए हैं। इस बवाल के बीच SHO अलीपुर पर एक प्रदर्शनकारी ने तलवार से हमला किया। पुलिस ने हमला करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। फिलहाल सिंघू बॉर्डर पर तनावपूर्ण माहौल है। 26 जनवरी के बाद से किसान आंदोलन की तस्वीर लगातार बदल रही है। कभी ये लगता है कि किसान आंदोलन हल्का पड़ रहा है, कभी राकेश टिकैत के रोने के बाद ये दिखता है कि बॉर्डर्स पर भीड़ बढ़ रही है। मैं सिंघू बॉर्डर की आपको तस्वीर दिखा देता हूं और साथ ही ये भी बता रहा हूं कि मेरे ठीक पीछे राष्ट्रीय ध्वज जो आप देख रहे हैं वो आज फहराया गया है। वजह ये कि यहां इससे पहले आंदोलन से जुड़े हुए किसान अंदर मौजूद थे, लंगर चलता था, तमाम लोग यहां रुकते थे, खाना खाते थे, लेकिन आज आसपास के गांवों से आए लोगों ने विरोध किया। पहले इसी इलाके के आसपास के लोग इन किसानों की मदद के लिए आया करते थे, लेकिन अब तस्वीर विरोध में बदलती जा रही है। आसपास से भी विरोध हो रहा है। आम लोग भी 26 जनवरी की घटना के बाद में नाराज हैं और किसानों की कोशिश ये है कि उन नाराज लोगों को अपनी बातों से समझा पाएं। लेकिन आज टकराव की स्थिति सिंघू बॉर्डर पर थी उस वक्त जब आसपास के गांव के इलाके के लोग यहां पहुंचे, और यही वजह है कि पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके में अब गाड़ी के साथ नहीं आया जा सकता। इस तरीके से लोग अब अपना सामान लेकर जा रहे हैं। पहले आगे तक की इजाजत थी, लेकिन अब और ज्यादा पुलिस बल यहां तैनात कर दिया गया है। कैमरा पर्सन सुभाषीष के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज दिल्ली। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से किसानों के प्रदर्शन के चलते आसपास के ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। यहां मौजूद लोगों के मुताबिक सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों से जगह खाली करवाने का विरोध कर रहे बॉर्डर के आसपास के गांव के लोग और आंदोलनकारी आपस में भिड़े, जिसके बाद हालात खराब होने लगे। इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई। किसानों का कहना है कि वो तिरंगे का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गाजीपुर सिंघू टीकरी बॉर्डर पर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब तो टीकरी बॉर्डर पर भी किसान आंदोलन का विरोध शुरू हो गया है और जल्द से जल्द आंदोलन खत्म करने की चेतावनी दी जा रही है। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसक घटना के बाद अब कहीं ना कहीं किसानों के आंदोलन के खिलाफ भी जो स्थानीय लोग हैं वो खड़े होने लगे हैं और लोगों में रोष साफ तौर पर देखा जा सकता है। टीकरी बॉर्डर की बात की जाए तो आज जो टीकरी के लोग हैं या दूसरी जो आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं जो लोग यहाँ रह रहे हैं, वो लोग लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ धरने पर बैठे हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि स्थानीय लोगों को यहाँ बड़ी परेशानियों के साथ गुजरना पड़ रहा है और 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और ये पूरा रोड पूरी तरह से बंद है। यही नहीं, इसी बात को लेकर अब जो स्थानीय लोग हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि यहाँ से बिल्कुल लोग हटने चाहिए। जाहिर है किसान आंदोलन के समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि किसान आंदोलन में आगे क्या होगा, क्या किसान आंदोलन जारी रखेंगे
या फिर विरोध प्रदर्शन खत्म किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं किसान आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने तुरंत प्रभाव से प्रदेश के 17 जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं को 30 जनवरी शाम 5 बजे तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया है। सोनीपत, पलवल और झज्जर में पहले इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किन जिलों में इंटरनेट सेवा बंद है और किन 5 जिलों में इंटरनेट सेवा जारी है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, महेंद्रगढ़, पंचकुला, ये वो इलाके हैं जहां पर इंटरनेट चालू है। 5 जगहों पर इंटरनेट चालू है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, महेंद्रगढ़ का ये इलाका है। और जहां पर इंटरनेट बंद है वो आपको बता दें, अंबाला में इंटरनेट बंद है, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, रेवाड़ी, सिरसा, सोनीपत, पलवल, झज्जर, यहां पर इंटरनेट बंद है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, महेंद्रगढ़ और पंचकुला को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर इंटरनेट बंद है। और वहीं किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। विपक्ष किसान आंदोलन को का खुला समर्थन कर रहा है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी और सपा से लेकर रालोद ने किसान आंदोलन के साथ होने की बात कही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तीनों कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया है और कांग्रेस को किसानों के साथ बताया। किसान आंदोलन पर कैसे तेज हो रही है सियासत, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी लगातार तेज हो रही है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान आंदोलन के साथ होने की बात कही और तीनों कृषि कानूनों को किसानों के खिलाफ बताया। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के आंदोलन के साथ क्या चल रहा है आप जानते हैं। किसानों को पीटा जा रहा है, उनको डराया जा रहा है। ये जो तीन कानून है इनको समझने की जरूरत है। पहला कानून है जो हिंदुस्तान के मंडी सिस्टम को, एग्रीकल्चरल मार्केट्स को ख़त्म कर देगा, नष्ट कर देगा। दूसरा कानून है जिससे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसमैन, 3-4-5 बिजनेसमैन, जितना भी अनाज स्टोर करना चाहते हैं, जितना भी अनाज होर्ड करना चाहते हैं, लाखों टन वो कर सकते हैं। अगर इनको ये इजाजत दी गई, किसान दाम निगोशिएट नहीं कर पाएगा। और तीसरा कानून, सबसे अजीब कानून, कि किसान अपनी कठिनाई को कोर्ट नहीं ले जा सकता। ये तीन कानून के लिए किसान दिल्ली के बाहर खड़े हैं और सरकार इनसे बात करने के बजाय, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के बजाय उनको धमका रही है, पीट रही है, एनआईए का प्रयोग कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। सरकार को एकदम इन तीन कानूनों को वापस लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, किसानों को, 50 किसानों को रेड फोर्ट के अंदर किसने जाने दिया और क्यों जाने दिया? क्या होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है कि रेड फोर्ट पे इनको नहीं जाना चाहिए, अलाउ करना चाहिए? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सीधी सी बात है, उनको क्यों अंदर जाने दिया, किसने अंदर जाने दिया? होम मिनिस्टर से जाके पूछिए। और उसके पीछे क्या आइडिया था, किस प्रकार अलाउ किया गया, वो भी पूछ लीजिए। दैट 5 people, 7 people हैव एवरीथिंग, वी हैव नथिंग, और जो हमारा था वो भी ले रहे हैं, तो प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? प्रधानमंत्री इन 5 लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए नोटबंदी की, उनके लिए GST बनाई, उनके लिए किसानों से मतलब उनका भविष्य छीन रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? वो कुछ बोलने को नहीं है।
मगर उनको ये नहीं लगना चाहिए कि किसान पीछे हट जाएंगे। और मैं किसानों से कहना चाहता हूं, हम सब आपके साथ हैं, एक इंच पीछे मत हटिए, एक इंच पीछे मत हटिए, ये आपका भविष्य है, इसके लिए आप लड़िए। और ये जो 4-5-10 लोग हैं, ये जो आपका सामान, आपका आपका भविष्य चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको आप नहीं चोरी करने दीजिए और हम आपकी पूरी मदद करेंगे। कांग्रेस के साथ ही रालोद नेता जयंत चौधरी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और आंदोलन को समर्थन देते हुए सरकार से कई सवाल किए। किसान नहीं चाहता यहाँ बैठा रहे भैया, हल निकालने के लिए यहाँ तक आया। देखिए मेरी रणनीति वो रहेगी, जो किसान की इच्छा होगी जो यहाँ बैठे किसान तय करेंगे उसके साथ हम रहेंगे। क्या आप चाहते हैं और विपक्ष पार्टियों के साथ मिलकर जो है आप भी किसानों का समर्थन? विपक्ष की सारी पार्टियां लगातार इस मुद्दे पे अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज कर रही हैं, कुछ संसद के अंदर कर रही हैं, कुछ संसद के बाहर कर पा रहे हैं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 साल का ही उनको लाइसेंस मिला है, हमेशा हमेशा की वोट नहीं मिली। और मैं यहाँ से जाऊँगा बड़ौद, क्योंकि वहाँ भी शांतिपूर्वक किसानों पे बल प्रयोग हुआ, रात में देर रात में पुलिस वहाँ गई, उन्हें उठाया गया, वो घायल हुए हैं किसान, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। और फिर जो मुजफ्फरनगर में कॉल है, वैसा समाज की कॉल है, वहाँ भी जाऊँगा। बिजली पानी जो है वो यहाँ का काट दिया गया था कल रात में, बड़ी ही लोगों को याद होगा, बिजली पानी तुगलक रोड का भी काटा गया था, कोई बात कोई आफत नहीं आती किसान बहुत। इसके अलावा ट्विटर पर भी आंदोलन को समर्थन दिया जा रहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर किसानों की मांगों को वाजिब बताया, तो वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर केंद्र सरकार को घेरा। इसके अलावा अखिलेश ने राकेश टिकैत से फोन पर बात कर पार्टी का समर्थन आंदोलन को दिया। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी राकेश टिकैत से फोन पर बात कर कांग्रेस का समर्थन दिया। इस सबके बीच भाकियू नेता राकेश टिकैत ने भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे और तीनों कृषि कानूनों का विरोध जारी रहेगा। जाहिर है आंदोलन के बीच किसानों के कंधे पर अपना राजनीतिक हित साधने की कोशिश की जा रही है। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा के बाद से ही किसान आंदोलन सवालों के घेरे में है और अब राजनीतिक दल अपना समर्थन देकर एक बार फिर बीच मझधार में फंसे आंदोलन को पार पहुंचाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और वहीं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इनेलो नेता अभय चौटाला के इस्तीफे को लेकर कहा है कि अभय चौटाला ने इस्तीफा देकर कमजोरी दिखाई है। विपक्ष के विधायक को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, लोगों ने उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए चुनकर भेजा है। इसके अलावा पूर्व सीएम ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, सरकार को कानून वापस लेना चाहिए। ये मैं बार बार कह चुका, शुरू से कह रहा हूँ, ये जो कानून है ये किसान के हित के नहीं है, तो ये सरकार को उन कानून मुझे वापस लेना चाहिए, क्योंकि किसान के को जो है MSP की बात है और है, उसको ये आशंकाएं हैं कि ये इस कानून आने से उनका बड़ा भारी नुकसान होगा और उनके हित में नहीं है, तो कानून सरकार को वापस लेना चाहिए। पानी वगैरह है वो भी रोक दिया गया है आंदोलनकारियों के लिए, और जो वहाँ की व्यवस्था थी लाइटों की वो भी बिल्कुल ख़राब कर दी गई। को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे टकराव बढ़े, टकराव को अवॉइड करना चाहिए, टकराव कोई अच्छी बात नहीं है, लोगों को जो कानून है उसका। और वहीं किसान आंदोलन के बीच CBI ने पंजाब और हरियाणा में FCI के गोदामों पर छापेमारी की है। जानकारी के मुताबिक हरियाणा में 10 जगह CBI ने FCI के गोदामों पर छापेमारी की है। हरियाणा में नरवाना सिरसा के FCI के गोदामों में CBI की टीम पहुंची तो वहां पर हड़कंप मच गया।
अधिकारियों ने गोदामों के अंदर जाते ही अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं गोदामों के मैनेजर और सुपरवाइजर्स को भी मौके पर तलब किया गया और गोदामों में रखे गेहूं की जांच शुरू कर सैंपल लिए गए। सीबीआई ने मंगाला, पन्नीवाला, मोटा और एलनाबाद के गोदामों में छापे मारे हैं। में एफसीआई के गोदामों में सीबीआई की रेड पड़ चुकी है और नरवाना सदर पुलिस व सीआरपीएफ के जवान भी साथ मौजूद हैं और गोदाम के अंदर जांच जारी है। किसी की भी एंट्री नहीं होने दी जा रही, जो अंदर से लॉक कर दिए गए और उनका साफ तौर पर कहना है कि अंदर किसी को आने नहीं दिया जाएगा जब तक जांच जारी रहेगी। और मैं बता दूं, जो एफसीआई का गोदाम है यहाँ पर भंडारण की क्षमता जो 80,000 मैट्रिक टन है और जो खुले के अंदर भंडारण की क्षमता 20,000 मैट्रिक टन रखी गई है। और मैं बता दूं, गोदाम के बाहर भी लोगों का हजूम उमड़ा हुआ है। जो कर्मचारी हैं और जो आसपास के लोग हैं वो देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हुए हैं, लेकिन किसी की भी एंट्री नहीं होने दी जा रही। कि उन अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक वो रेड पूरी जांच नहीं कर लेते तब तक किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं करेंगे। नरवाना से इंडिया न्यूज के लिए गुलशन चावला की रिपोर्ट। और वहीं 1 फरवरी को देश का आम बजट संसद में पेश किया जाएगा। इस बजट से देशवासियों के साथ साथ प्रदेशवासियों को काफी उम्मीदें हैं। रोहतक के लोगों का कहना है कि सरकार ऐसा बजट पेश करे जिसमें सभी का हित हो। बजट आने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो कितनी उम्मीद आम आदमी को? उम्मीद तो मोदी पर मैं चाहता हूँ उसके अंदर व्यापारी हो, कर्मचारी हो, गरीब आदमी हो, कोई मर्जी हो, सबको आसान रहे, सबके लिए अच्छा बजट होना चाहिए। तो रेल बजट भी उसमें संभावित है, उससे कुछ उम्मीद है क्योंकि हरियाणा कुछ मिलेगा? देखो जी, होनी तो ये उम्मीद तो हर साल मिलता रहा, शायद इस साल मिल जाए कुछ, बाकी रेल स्टार्ट हो तो अच्छी बात है। बजट आने वाला है, क्या उम्मीद है आप लोगों को बजट से सेंट्रल गवर्नमेंट का? गरीब आदमी को लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान बहुत से लोगों को नुकसान हुआ, बल्कि सभी को लगभग नुकसान हुआ, किसी को कम ज़्यादा। तो सरकार को आम आदमी को ध्यान में रखते, गरीब आदमी, पिछड़ा आदमी, जो किनारे पे खड़ा है उसको सोच में रखकर उसके लिए योजनाएँ बनाएँ, उसको फ़ायदा मिले। पहले जो पैकेज आए उससे कम फायदा मिला है और बड़ा पैकेज मिले और सभी को फायदा हो, चाहे मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो। ये हमारी इच्छा है कि इस तरह का एक बड़ा पैकेज जो है आना चाहिए। वहीं रेल बजट भी इसी में शामिल हो, उससे क्या है हरियाणा कुछ उम्मीद है आपको? अब रेल बजट जो है मुख्य बजट का हिस्सा बन गया है, तो बहुत सारी योजनाएं हरियाणा में चल रही हैं और नए अभी 2-3 दिन पहले भी प्रोजेक्ट करनाल को यमुनानगर से जोड़ना और कैथल में एलिवेटेड ट्रैक बनना, जैसे रोहतक में बन रहा है, उस क्षेत्र में भी पहले ऐसी घोषणा हुई थी, उस प्रतिशत काम चल रहा है। और रोहतक से वाया मैं मासी सड़क बन रही है, ट्रेन रेलवे लाइन बिछ रही है, उससे भी सबको फायदा होगा। और वहीं हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है और इसी कड़ी के तहत 6ठी से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं के बच्चे भी स्कूल में आकर पढ़ाई करेंगे। कोरोना महामारी के कारण करीब 1 साल से स्कूल बंद पड़े थे, लेकिन अब एग्जाम और कोरोना वैक्सीन आने के बाद सरकार धीरे धीरे स्कूलों को खोलना शुरू कर चुकी है। दूसरी तरफ 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को पहले ही खोल दिया गया था और बाकायदा सरकार ने सभी नियमों की पालना करने के लिए कहा था, जिसके बाद अब स्कूल संचालकों ने सरकार द्वारा दी गई हिदायतों के अनुसार स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने की तैयारी कर दी है। देखिए, जो हरियाणा सरकार की, भारत सरकार की कोविड गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए स्कूल में बच्चे आ रहे हैं। आज 11th क्लास का प्री फाइनल एग्जामिनेशन चल रहा है इस समय और लगभग 90% बच्चा इस समय स्कूल में है। जो भी हमारी CBSE की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग एक रूम में जो डिस्टेंस को फॉलो करते हुए 12 students इन वन रूम हैं। और क्योंकि जो एनुअल एग्जामिनेशन का समय है वो हमारे बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो ऐसे समय में ये ज़रूरी है कि बच्चे फिजिकली स्कूल में आएं। और आज इनका ये 3 hours का पेपर है और उसमें बच्चे जो उनकी जो राइटिंग स्पीड है उसके बारे में उनको पता लगेगा कि किस प्रकार से पूरे साल की उनकी जो मेहनत है 3 hours में किस प्रकार से उसको वो एक्सप्रेस कर पाएंगे। देखिए,
हमारे पास नवंबर महीने से जब बच्चे आने शुरू हुए तब बहुत कम आए, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छे से हो रही है और यहाँ पर बेहतर ढंग से पढ़ाई हो सकती है, तो आप मानेंगे हमारे पास पेरेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है। हमारे पास 90-95% स्ट्रेंथ जो है वो आ रही है ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि बच्चों को भी लगने लगा और पेरेंट्स को भी लगने लगा कि ऑनलाइन पढ़ाई ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जब बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ते हैं, टीचर के सामने बैठकर पढ़ते हैं, उसका मुकाबला नहीं है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पढ़ाई अब यहाँ पर अच्छी हो रही है, घर पे भी होती थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती, डाउट जो थे वो डाउट ही रह जाते थे, टीचर समझाते थे पर टीचर को ये पता नहीं चलता कि जैसे हमारा कोई डाउट है वो कैसा है, और यहाँ पर जैसे कोई डाउट हो तभी की तभी हम समझ लेते हैं तो हमें। और वहीं अम्बाला में IKG केयर फाउंडेशन की तरफ से मिशन हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वितरित किए गए हैं। ये कार्यक्रम IKG केयर फाउंडेशन की स्टेट प्रेसिडेंट राधिका चीमा की तरफ से आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान एकता डांग ने अपनी कविता को डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के नाम किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर IKG केयर फाउंडेशन की तरफ से मेयर शक्ति रानी शर्मा और डॉक्टर सादिक को सम्मानित भी किया गया। और वहीं अम्बाला के धूलकोट में रविदास मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। आज मंदिर के नींव का पत्थर शहर की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने रखा। इस दौरान उन्होंने रविदास मंदिर में माथा भी टेका। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बच्ची के हाथों से रिबन कटवाया और उसको मिठाई भी खिलाई। शक्ति रानी शर्मा ने पूरे विधि विधान के साथ मंदिर की नींव रखी और वहां पर पुष्प भी अर्पित किए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।